नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु ज्ञानम में। दोस्तों जो आज तक अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरी विनती है कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे जो भी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ उसके बारे में पता लगता रहे। दोस्त सॉरी ये हो गया, गलती हो गई, हाँ तो मैं रब करता हूँ। ओके, हम ये कहना चाह रहे थे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रैंकिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और रैंकिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ों को समझ रहे हैं। देखिए ये क्या है, वेरी इजी टॉपिक होता है, वेरी इजी टॉपिक है, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्या इसमें टफ है, सिर्फ लैंग्वेज एक टफ होता है, ठीक है। तो हम उसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझते हैं और हर प्रकार के सवाल ले लेते हैं, ताकि आपको कोई कभी दिक्कत ही ना हो, ठीक है। तो उसी सीरीज में हम एक सवाल करते हैं, ठीक है। सवाल मैं लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 21 लड़कियों का लाइन था, 21 लड़कियां थी, ठीक है। गर्ल्स का लाइन था, लाइन, ठीक है, 21 लड़कियां थी, जिसमें से क्वेश्चन, अब लैंग्वेज देखिए क्या बोला है, ठीक है। व्हेन मोनिका, अब समझ लीजिए इसमें एक लड़की थी मोनिका, मोनिका, अब हम मोनिका को शिफ्ट करते हैं 4 प्लेसेस टू द राइट। इफ व्हेन मोनिका इज शिफ्टेड 4 प्लेसेस टू दी राइट, यानी राइट में हम 4 प्लेसेस को शिफ्ट करते हैं, देन सी वॉज इन 12th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट। शिफ्ट करने के बाद का सिनेरियो क्या है, सी वॉज 12th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। जब हमने ये कर दिया, ये एक्शन कर दिया, तो ये क्या हो गई, 12th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हो गई, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड हर प्रीवियस पोजिशन फ्रॉम राइट, हमें क्या बताना है, प्रीवियस पोजिशन बताना है और वो भी बताना है फ्रॉम राइट, ठीक है, फ्रॉम राइट, ये हमें बताना है। एक कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है, लेकिन क्या करना है, हमें पेन चेंज करना है। एक 21 लड़कियों का एक वो बना देते हैं, एक लाइन बना देते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए आपकी 21 लड़कियाँ हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि भैया व्हेन मोनिका इज शिफ्टेड 4 प्लेसेस टू द राइट, समझ लीजिए मोनिका यहाँ पे थी, ठीक है। उसको हमने कहाँ से, यहाँ से क्या कर दिया, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, हमने शिफ्ट कर दिया 4 प्लेसेस, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इनके बीच में कितने लोग होंगे, ठीक है, 3 लोग होंगे, यहाँ से यहाँ तक 3 लोग होंगे, ठीक है। मोनिका पहले यहाँ थी, अब यहाँ से यहाँ तक 3 लोग होंगे, ठीक है। तभी ना एक देखिए, एक प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4th प्लेस पे शिफ्ट किया है ना, 4th प्लेस टू द राइट, तो यहाँ से यहाँ तक 3 लोग होंगे। ही इज 12th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, शिफ्ट करने के बाद क्या हो गई, 12th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने होंगे, 11 लोग होंगे, 11 प्लस 3, अरे सॉरी 8 लोग होंगे, 8 लोग होंगे, 8 प्लस 3 11, तभी तो ये 12th पे आएगी, समझ आए ना, ठीक है। जब 8 3 11 होगा तो इसका प्लेस यहाँ पे क्या होगा, 12th हो जाएगा, ठीक है, तभी ये 12th प्लेस पे आ गई, ठीक है। और ये 12th है तो ये आपका प्लेस होगा आपका 11th, ये प्लेस आपका 11th हो जाएगा, ये प्लेस आपका 10th हो जाएगा, ये प्लेस आपका 9th हो जाएगा, ये प्लेस आपका 8th हो जाएगा, ठीक है। जब ये 8th प्लेस हो जाएगा तो इसके पहले यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं, 7 लोग, कितने लोग हैं, 7 लोग, ठीक है। और इन ए ग्रुप ऑफ 21 लड़कियाँ कितनी हैं, 21 लड़कियाँ हैं, ठीक है, देखिए ये 8th पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक 8 लड़की हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितने लोग होंगे, ठीक है, टोटल आपके गर्ल्स कितने हैं, 21, ठीक है, ये 8 लड़कियाँ तो यहाँ तक हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी लड़कियाँ होंगी, 21 माइनस 8 आप जब करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 13, ठीक है। 13 लड़कियाँ यहाँ से यहाँ तक के बीच में हैं, लेकिन उसकी पोजीशन, प्रीवियस पोजीशन फ्रॉम द राइट बताना है, राइट से बताएंगे, अगर राइट से इसकी पोजीशन को बताएंगे तो हम पोजीशन क्या बताएंगे, पोजीशन बताएंगे 14th, क्यों, क्योंकि 13 लड़कियां तो इससे आगे ही हैं, मोनिका के आगे 13 लड़कियां हैं, तो इसीलिए उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 14th हो जाएगी, ठीक है। सवाल करते हैं, एक और सवाल लेंगे, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक, सवाल क्या है, सवाल मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, फिर से वही लाइन है,
लाइन में लोग खड़े हैं, ठीक है, समझ लीजिए राम है, ठीक है, बोल रहा है कि भाई लाइन में लोग खड़े हैं, ठीक है, पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम लेफ्ट इज 15, पोजीशन ऑफ, पोजीशन क्या है, फ्रॉम लेफ्ट, राम का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज 15, ये दे रखा है। एक और चीज़ दे रखा है, श्याम, ठीक है, पोजीशन ऑफ श्याम फ्रॉम राइट इज 18, राइट कितना है 18, लेफ्ट से ये 15वें पोजीशन पे, राइट से इतने इतने ये इतने, ठीक है। और एक और दे रखा है, एक और डाटा दे रखा है कि मान लीजिए राम और श्याम के बीच में, राम और श्याम के बीच में चार लोग हैं, ठीक है, चार लोग हैं, तो हमें क्या बताना है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ पीपल बताना है, क्या बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हमें ये बताना है, ठीक है, कितने मिनिमम नंबर ऑफ पीपल होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेन बदल लेंगे, पेन बदल लिए, क्या करते हैं लाल समझ लीजिए, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल बताना है, ठीक, राम पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज 15, ये राइट हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है, राम का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज 15, ये राम हो गया, यहाँ से यहाँ तक 14 लोग हैं, ठीक है, श्याम फ्रॉम द राइट इज 18, अच्छा तो राइट कर, श्याम फ्रॉम द राइट इज 18, ठीक है, ये 17 लोग 18 पे पहुँच गया ना, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट इज 15, इसके आगे 14 लोग होंगे तभी ये 15 पे पहुँचेगा, राम और श्याम के बीच में 4 लोग, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ पीपल इस केस में कितने आते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे लिख नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, 14 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 17, ठीक है, 14 एक 15 4 19 एक 20 17 37, 37 लोग हैं, लेकिन क्या ये मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हैं, क्या ये मिनिमम नंबर ऑफ पीपल है, नहीं, ठीक है, ये आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मिनिमम कैसे निकलेगा, देखिए सेम इसी सवाल को करते हैं, ठीक, और सब कुछ वैसे ही रखेंगे, ठीक, देखिए राम और श्याम का पोजीशन जो दे रखा है वो हम यहाँ पे मैक्सिमम का केस बनाए हैं, ठीक है, मैक्सिमम का केस बनाए हैं, ठीक। अब देखिए क्या है, मैं फिर से कर रहा हूँ, 14 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे राम है, 14 लोग हैं, यहाँ पे राम है, ठीक है, ये कितने लोग हैं, ये आपके 17 लोग हैं, यहाँ पे आपका है श्याम, ये 17 लोग हैं, यहाँ पे श्याम, इन दोनों के बीच में, राम और श्याम के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, एक 2 3 4, ठीक है, राम और श्याम के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ पीपल बताना है। देखिए ये आपका 15th पोजीशन पे आ गया, ठीक है, ठीक है, ये 15th पोजीशन पे आ गया, 14th 14th 13th 12th 11th 10th, ये 10th पे है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं, यहाँ से यहाँ तक 9 लोग हैं, ठीक है, तो 17 एक 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 साइड को लेते हैं, 17 धन श्याम का पोजीशन 1 प्लस 9, टोटल कितने हो गए 27, ठीक है, टोटल कितने हो गए 27 लोग, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये केस समझ में आ गया, ये आपका मैक्सिमम का केस बता रहा है, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम का केस बता रहा है, मिनिमम का केस क्या बता रहा है, ये अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार दूसरी प्रॉब्लम को लेता हूँ और वहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, एक और प्रॉब्लम लेंगे और वहाँ से आपको एक्सप्लेन करते हैं।